अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट है, मज़े का है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये व्लॉग चांद रात से ईद तक का मैंने व्लॉग बनाया है, तो यहाँ पे आज चांद रात है और आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक। तो यहाँ पे मैं ग्रॉसरी करने जा रही हूँ। तो ये है इम्तियाज़ सुपरमार्केट, लेकिन यहाँ मैं नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मैं हमेशा ही मेट्रो जाती हूँ, मेट्रो कैश एंड कैरी, और वहाँ से शॉपिंग करती हूँ। तो जी, मैं मेट्रो कैश एंड कैरी पहुँच चुकी हूँ। इस बार तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन SOPs का ख्याल करते हुए हम गए हैं शॉपिंग करने। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, कुछ मैंने बर्तन लेने थे, कुछ मैंने ग्रोसरी करनी थी, वो सारी मैंने जल्दी जल्दी से की है। पार्किंग आपके सामने है, यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ही आती हूँ शॉपिंग करने। तो इजीली आपको आराम से पार्किंग मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आज रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन इनका पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है। ओके जी, तो एंटर होते साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। यहाँ पे फ्रीज़र रखा हुआ था इन्होंने, और इस तरह से इसमें बकरा इन्होंने सजा के रखा हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ से शॉपिंग की है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस थोड़ी थोड़ी सी आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, और मैंने जल्दी से शॉपिंग की है, और इसके बाद मैं वापस अपने घर चली गई क्योंकि चांद रात है और बहुत सारे काम हैं। सो मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने शॉपिंग कर ली है और बिलिंग के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, और फिर हम लोग घर चलेंगे। जी, तो शॉपिंग तो हमने बहुत जल्दी जल्दी की कि हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा रश था कि हमें मगरिब के बाद मैं घर पे पहुंची हूँ, और फिर मैंने बाकी अपने सारे काम किए हैं। सो आगे चल के आप देखेंगे कि रश में हम किस तरह से बिल्कुल स्टक हो गए थे, और थोड़ी थोड़ी करके गाड़ी आगे जा रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा यहाँ पर वेस्ट हो गया। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, और मैंने घर जाके खाना भी बनाना है। सो यहाँ पे इसके बाद हम घर पहुँच गए हैं, और मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया है। ये वो चिकन है जो बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसके बाद मैंने मेहंदी लगवाने जाना था, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी से ये बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी पीजी सी रेसिपी है, और आप लोगों का टाइम लगेगा, ओनली 20 मिनट्स लगेंगे, और आपका जो डिनर है वो तैयार हो जाएगा। तो और बनती बहुत अच्छी है ये चिकन, लेकिन अगर मैं इसकी रेसिपी ना भी दे सकूं तो, और अगर आप गौर से देखें तो आपको पूरी रेसिपी इस वीडियो में मिल जाएगी कि मैंने क्या क्या चीज़ इसमें ऐड की है और किस तरह से ये बना है। गौर करें तो सब पता चल जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे चिकन रेडी है, और मैं अब जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। तो रश तो इतना ज़्यादा हो रहा है, तो चलें चलते हैं और चल के मेहंदी लगवाते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूं और यहां पे मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मेहंदी लगाने में, क्योंकि बहुत ही बारीकी से वो मेहंदी लगा रही थी मुझे और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ये। और इनका जो लोग कराची में रहते हैं और वो अगर यहाँ से मेहंदी लगवाना चाहते हैं तो इनका पेज जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग भी जाके यहाँ से मेहंदी लगवा सकते हैं। जी, तो मेहंदी मेरी लग चुकी है, तो यहाँ पे देखें तो कितनी खूबसूरत मेहंदी मेरी लगी है। लेट मी शो यू। तो ये देखें, दोनों हाथों की मेहंदी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बारीकी के साथ लगी है और मुझे बहुत पसंद आई। और वैसे भी मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ से अब मैं जा रही थी बेकरी में, यहाँ से मैंने लेना है केक, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे है ईद वाले दिन, तो यहाँ से मैं केक ले रही हूँ। तो मैं आई हूँ जाहिद स्वीट्स पे, बहुत अच्छी बेकरी है और सारे ही आइटम इसके बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे आइटम्स मैं यहाँ के ट्राई कर चुकी हूँ। केक तो बहुत ही सुपर हिट लाजवाब केक है यहाँ का। तो यहाँ से कुछ ट्राई करें ना करें, लेकिन एक बार केक ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत अच्छा लजीज केक होता है। और वैरायटी देखें तो वैरायटी भी इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी है और बहुत ही फ्रेश केक्स होते हैं इनके पास। एंड प्लीज़ लेट मी टेल यू, वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, केक बहुत अच्छा है यहाँ का। ओके जी, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो रास्ते में आता है नौरानी। नौरानी रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है यहाँ का चिकन रोल, बहुत अच्छा है चिकन चटनी रोल। जो यहाँ पे करीब में रहते हैं वो ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, तो अब रात के ऑलमोस्ट 12 बज के और 10 मिनट हो चुके हैं और मैं घर जा रही हूँ। तो अभी घर जाके हमने, अभी ये व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे देखें, अभी हम जाएंगे और जाके कुर्बानी के जानवर भी देखेंगे, लेकिन अभी हम पहले घर जा रहे हैं। जी, तो साथ साथ कराची भी देखें आप लोग। कराची का सिर्फ एक दूसरा रुख हमें पता है कि कराची ऐसा है ऐसा है, लेकिन कराची बहुत खूबसूरत है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे मैं तो जब से रह रही हूँ तो मुझे तो कराची बहुत अच्छा लगने लग गया है। और हम लोग जो न्यूज़ में देखते रहते हैं ये वो एक अलग रुख है, लेकिन कराची बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, तो अब हम घर पहुंचने वाले हैं, अब हम चाय बना रहे हैं और इसके साथ हम चाय को एंजॉय करेंगे और नेक्स्ट जो भी हमारा प्रोग्राम है हम उसको डिसाइड करेंगे और वहां पे चलेंगे। अच्छा जी, तो अब हम निकले हैं सारे कजन्स कुर्बानी के जानवर देखने के लिए और ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, रात का 1 बज रहा है और अब हम निकले हैं यहाँ से और कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे जाएंगे। लेट्स सी कि कहाँ जाएंगे। जी, तो एक जगह पे हम पहुँचे हैं तो वो उन लोगों ने डोर क्लोज कर दिया था, क्योंकि जानवरों को भी आराम करना है, सुबह उनकी कुर्बानी भी होनी है। तो फिर उसके बाद हम घूमते घूमते, हमें JDC जाना था, जो कि हमें रास्ता नहीं पता चल रहा था और ये नहीं पता चल रहा था कि JDC कहाँ पे है। तो बहुत घूमते घूमते हमें तो दोबारा से भूख लग गई है। सो यहाँ से हम जा रहे हैं लियाकताबाद और वहाँ पे हमने एंजॉय किए हैं गोलगप्पे। लियाकताबाद के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो कराची के लोग हैं उनको पता ही है। तो यहाँ पे हम सब ने गोलगप्पे एंजॉय किए हैं और उसके बाद दोबारा से हम JDC की तरफ रवाना हुए हैं, कि हमें फिर लोकेशन पता चल गई थी, तो अब हम JDC की तरफ जा रहे हैं। जी, तो इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 2:20 और लोगों को देखें ऐसे रोड्स पे घूम रहे हैं कि जैसे रात तो है ही नहीं हमारे समेत। सो फाइनली JDC फाउंडेशन में हम पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा जानवर थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, तो आगे चल के आप देखेंगे।
तो बहुत खूबसूरत जानवर थे यहाँ पे, और महंगे तरीन जानवर हैं यहाँ पे। और आई डोंट नो इनको क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के ये जानवर हैं, बहुत महंगे हैं। और JDC फाउंडेशन जो है ये सारा गरीबों में सारा गोश्त जो है वो तकसीम कर देते हैं। ये जितने भी जानवर हैं ये सब कटेंगे, ज़िबा होंगे, इनकी कुर्बानी होगी और सारा गोश्त इनका जो है वो गरीबों में तकसीम हो जाएगा। ओके जी, तो जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे, या 3 से थोड़ा सा ऊपर ही था टाइम। और इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, और ये लोग यहीं पे ऊँटों को वॉक भी करवा रहे हैं, उनको खाना भी खिला रहे हैं, और रश आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा रश है। और बिल्कुल सब रास्ते इनके स्टक हुए थे अंदर आने के बाहर जाने के, तो बहुत लेट हो चुके थे, ऑलमोस्ट रात के 4 बज चुके हैं, सुबह ही हो गई है। तो अब हम सब जा रहे हैं घर, क्योंकि 6 बजे हमने उठना है, 6:30 बजे ईद की नमाज़ है। ईद मुबारक एवरीवन। तो ईद की बहुत सारी खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों जी। तो ईद का दिन है, नाश्ता कर लिया है, नाश्ते के कुछ टाइम के बाद ही हम लोग कसाई को ढूंढने लगे कि कसाई आए और कुर्बानी का जानवर कुर्बान करे, ताकि हम भी कलेजी बनाएं, कढ़ाई बनाएं। तो कसाई तो मिलते नहीं है इतनी जल्दी, तो मैं यहाँ पे पुलाव बनाने लग गई हूँ, जो कि चिकन और चने का पुलाव है, ताकि हम इसको इंजॉय कर सकें, रात की रात को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं ऊपर आई बटन पे इसकी रेसिपी लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके जी, तो कुर्बानी का जानवर कटना स्टार्ट हो गया है। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। यहाँ पे मैं बट कढ़ाई बनाने जा रही हूँ, मटन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, और साथ साथ रेसिपी को आप फॉलो करें, मैं इसमें सारी रेसिपी आपको बताऊँगी। 1 kg मटन है मेरे पास, टमाटर 3 से 4 अदद, प्याज 1 दरमियानी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। तो इसके साथ यहाँ पे मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, आधा टीस्पून हल्दी। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पानी ऐड करूंगी इसमें बड़ा, 1 बड़ा गिलास पानी का भर के वो ऐड करेंगे, ताकि गोश्त गल जाए अच्छी तरह से। तो फिर इस सब को बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर देना है। तो मिक्स कर लिया अच्छे से, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो मैं इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी जी। तो 20 मिनट के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसका जितना भी पानी है उसको मैंने ड्राई कर लेना है। फुल फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जी, तो पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, इस स्टेज पे मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने ब्लेंड किया है और फिर मैंने ऐड किया है जी। तो यहाँ पे एक टिप देती चलूँ मैं आपको, कि दही को हमेशा सालन में ब्लेंड करके आप तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए, सेकंड्स के लिए आप ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करें और फिर ऐड करें, तो बहुत स्मूद हो जाती है। तो जो बाहर से आप लोग कढ़ाई खाते हैं उसमें ऐसे ही होता है जी। तो यहाँ पे मैं लेमन डालूंगी, आधे से भी कम है, फ्यू ड्रॉप्स हैं वो मैं डालूंगी, ताकि हीक इतनी ज़्यादा गोश्त की ना आए।
इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी। और दही देखें तो बिल्कुल कोई भी लम्स नहीं बने हैं। बटर है यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के मैं ऐड करूँगी, और क्रीम ऐड करूँगी मैं, आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून। जी तो पहले मैं बताना भूल गई कि ऑयल मैंने 1/2 कप इसमें ऐड किया था, और इसके बाद मैं यहाँ पे बटर 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे क्रीम ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून, बिल्कुल फुल क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जी तो इस ब्लेंडर जग में मैंने दही को ब्लेंड किया था, अब इसी में मैं ऐड करूँगी साबुत धनिया, ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और इसके साथ मैं ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी और इस सालन में ऐड कर दूँगी। 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं वो मैं यहाँ पे काट के ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और ये तैयार है। इसको मैंने गार्निश किया है हरा धनिया और मिर्चों के साथ। जी तो यहाँ पे मटन बट कढ़ाई तैयार है, और ऑथेंटिक रेसिपी है, ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। सो इसको सर्व करें चपाती के साथ, बहुत अच्छी लगती है। ओके जी तो यहाँ पे ईद का डिनर रेडी हो चुका है और हम इंजॉय कर चुके हैं। तो इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे हम केक कट करेंगे। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे थी, तो फिर हमने डे को जो ख़त्म किया, जो हमारे दिन का इख्तिताम था, वो इस केक कटिंग के साथ था। तो यहाँ पर हमने केक कट किया है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा व्लॉग चांद रात से ईद तक का, कि मैंने क्या कुछ किया है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और इसके साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।